शिक्षक थे एवं प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भाषा संगम सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने सिंधी भाषा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। सिंधी भाषा भारत और पाकिस्तान विभाजन से पूर्व सिंध प्रांत में बोला जाता था, लेकिन विभाजन के बाद से सिंधी भाषा का अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। तो सिंधी भाषा के अधिकतर बोले जाने वाले लोग पाकिस्तान में हैं, लेकिन सिंध प्रांत में रहने वाले हिंदू बॉर्डर को क्रॉस करके भारत में आ गए और गुजरात के कच्छ जनपद में निवास करने लगे। तो आज भी भारत में सिंधी बोले जाने वाले की संख्या लगभग 1 करोड़ है और भारत और पाकिस्तान दोनों मिलाकर सिंधी बोलने वालों की संख्या लगभग 2.5 करोड़ के करीब है। जैसा कि सभी उत्तर भारत की भाषाओं का विकास इंडो आर्यन भाषा से हुआ है, इसका भी जो भाषा परिवार है वो इंडो आर्यन है। ये इनका विकास भाषा का जैसा आप जानते हो विकास सब भाषाओं की जननी संस्कृत है। संस्कृत से पाली बना, पाली से प्रकृत और प्रकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से अनेक भाषाओं का उद्भव हुआ। अपभ्रंश के पैसाची शाखा से सिंधी भाषा का आविर्भाव हुआ है। सिंधी भाषा मुख्यतः जो है संस्कृत से, उसके 70% शब्द जो है संस्कृत से लिया गया है और संस्कृत से सबसे निकट अगर कोई भाषा है वो सिंधी है। इसकी अपनी कोई लिपि नहीं है, ये देवनागरी लिपि और फारसी लिपि और गुरुमुखी लिपि तीनों लिपि में लिखी जाती है। सिंधी भाषा की अपनी लिपि पढ़ने की प्रक्रिया प्रारंभ है, लेकिन अभी तक उसको अंतिम स्वरूप प्रदान नहीं किया जा सकता है गया है। मैं आप लोगों के सामने सिंधी भाषा के जो काउंटिंग है 1 से 10 उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि आप भी इसको रिपीट करेंगे। 1 हिक, 2 ब, 3 ट्रे, 4 चारू, 5 पंज, 6 छह, 7 सत, 8 अठ, 9 नवम, 10 दह। धन्यवाद। मैं सिंधी भाषा से संबंधित 5 वाक्य आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए कक्षा 1 बार की छात्रा तपस्वांजलि को आमंत्रित करता हूँ। तपस्वांजलि